हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको स्किन के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको स्किन एडिट करना सिखा दिया है, ठीक है जी। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि किस तरह आप स्किन को अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकती हैं, प्रिंट करवा सकती हैं। आपके दिन में कुछ सवाल होंगे, उनके मैं जवाब देने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप ये सोचते होंगे कि हम मोबाइल से स्किन डिज़ाइन करें, क्या वो फट जाएगी? जी नहीं, मोबाइल से स्किन कभी नहीं फटेगी। मेरी वीडियो देखने के बाद एक आप प्रॉपरली स्किन एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह की वीडियो आपको पहले कभी भी नेट पे नहीं मिलेंगी, मोबाइल के एडिट करने की आपको कंप्यूटर में मिलेंगी। तो ठीक है जी, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले तो एक इमेज साइज़ वाली ऐप होनी चाहिए, इसके बाद उर्दू एडिट होना चाहिए या उर्दू नोट होना चाहिए। मैं आपको उर्दू नोट भी दिखा देता हूँ। तो उर्दू नोट आपके पास होना चाहिए, प्ले स्टोर से आप जाके देख लें। किसी वजह से मेरा लोगो नहीं आ रहा, मैंने इंस्टॉल तो किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और लिख देते हैं उर्दू नोट। नोटपैड लिख दिया और ये देखिए नोटपैड इंस्टॉल हुआ है, ये भी उर्दू जैसा काम करता है। ये लिखने के बाद आप यहाँ इसके ज़रिए स्क्रीनशॉट ले लें, अगर जिनके मोबाइल में है या सेटिंग में तो वो यहाँ से ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको साइज़ करने का तरीका बता रहा हूँ, आप स्किन एडिट करना नहीं, स्किन के कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ। आपने जिस जिसकी स्किन को लगाना है, जो जो आपने एडिट करना है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपके पास वो जिन जिन की तस्वीरें हों, जिनकी लगानी हो, आपके पास होनी चाहिए। बैकग्राउंड कटिंग होना चाहिए, अगर आप कटिंग नहीं करना आता तो ऊपर लिंक आई के बटन को क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव करना देख सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर आप लगा जी, तो ये ओपन हो चुकी है। जल्दी से जाकर ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, उनसे मैं वाइट से भरने वाला हूँ। इसे मैं वाइट से भर देता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ जल्दी से, और जल्दी से वाइट कलर, ठीक है, और क्लिक कर देता हूँ। वाइट से भर गया, इसे आके मर्ज करता हूँ, ठीक है जी। इसे मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ। हमारी जेपीजी सेफ हो गई, वो मेरी सेफ हो चुकी है, ठीक है जी। तो यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ अपने मोबाइल को, और यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद यहाँ से सब ख़त्म करता हूँ जो मैंने पहले चला रहा था मोबाइल पे, ठीक है जी। अब इमेज साइज पे क्लिक कर दे जल्दी से, ठीक है जी। ये 6x4 है, ये इंच नहीं गिना जाएगा, हमें इंचों में काम करना है, बाकी तीनों को छोड़ देना है, ठीक है जी। ये फुट होते हैं, अब कितने फुट में काम करने जाते हैं, 2 में 4 में 6 में, ये 2x3, 3x, जैसे इमेज साइज होता है, ये फोटो में प्रिंट होती है स्क्रीन, जो भी देख रहे हैं अली भाई, ये फोटो में होगी। मैं को बताऊँ, ये फुट में होती है, ठीक है जी। 2x3, 3 को ज़रब देने, ये 6 फुट आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसे हम साइज काट लेते हैं सैंपल के तौर पे, 2, और मुझे 3 फुट की ये प्रिंट करवानी है। तो मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें इतना हो गई। तो मैं जल्दी से इधर क्लिक करता हूँ और गैलरी में आ गया। गैलरी में एक बार ये देखें, मैंने ये बना कर रखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये लग चुका है, ठीक है। और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा सिर्फ, और ओके, ये गैलरी में जाके सेव हो गई, ठीक है जी। तो इसे मिनिमाइज करता हूँ और आपको दिखा दूँ ये कहाँ सेव हुई है। गैलरी ओपन करता हूँ, पे आप वर्किंग करेंगे, काम करेंगे, साइज हो गया, इस पे आप तस्वीरें, डिजाइनिंग, सब कुछ पिक आर्ट में लगाएंगे। ये आने वाली वीडियो में हम जरूर सीखेंगे, ठीक है जी। तो दूसरी ऐप जो काम करती है वो क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी ऐप जो काम करती है वो है स्टार्ट राइटिंग। ठीक है जी, तो नेट ऑन होना चाहिए, तो जल्दी से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं महफ़िल नात, महफ़िल नात,
ये थोड़े गलत हो गया। महफल नात। जब ये आपने लिख लेना है तो लिखने के बाद आपने यहाँ से इसे मिनिमाइज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। मैं लेने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मेरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया। आने के बाद मैं दोबारा अपनी मिनीवाइज ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे नीचे करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। वो तो थोड़ी ही देर में ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है जी, और मेरी ऐप ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये भी आपको ऐप दिखा दी, पिक कार्ड भी दिखा दी जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। ठीक है जी, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखें। ये ऐप यूज़ अपने पास रखें। इन ऐप के ज़रिए एपिक कार्ड में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर।